जब मैं मर जाऊं तो मेरे बच्चे को परेशानी ना हो। परेशानी से मतलब है कि मेरी ये लाश लेकर बच्चे कहाँ जाएंगे? लाश के लिए कोई जमीन ही नहीं है, लाश लिए उनको इधर उधर भटकना न पड़े, सिर्फ इसलिए ही हम ये लड़ाई में लगे हैं। मेरे तीन बच्चे हैं, तीनों पढ़ाई करते हैं। इन तीन बच्चों के लिए कुछ करने के लिए अगर एक छोटी खेती होती तो हमारी जरूरत की चीजें उगा कर उनसे आजीविका चला सकते हैं। इससे इस मरते हुए खेत और किसी को भी बचाया जा सकता था। आज के दौर के लड़ाई बच्चों के लिए है जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो मेरे माँ बाप के साथ रहते हैं। एक बेटी भी है, उम्र 16 साल। वैसे तो 16 साल की उम्र डरने की है, पर मुझे डर नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं। मेरी बेटी मेरे अपने गांव में रहती है, इसलिए बिल्कुल बेफिक्र हूँ। जिन टीचरों ने मुझे पढ़ाया, आज अधिकतर वही टीचर मेरे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मेरे टीचर, गणित पढ़ाने वाले टीचर, आज वहाँ हेडमास्टर हैं। उन्हें हम शेर शेर कहा करते। इतना डर था सर से हमें, उनकी परछाई से भी डर लगता था। आज भी उनका वही नाम चलता है। मैं जब भी वहाँ जाती हूँ, हम मिलते हैं, बातें करते हैं। मुझे एक प्रसंग याद आया। मैं कोट्टयम जिले की सेक्रेटरी हूँ। मेरा पोस्टर छपा था और कहीं लगा था, सर ने देख लिया होगा। मेरे वहाँ पहुँचने पर उन्होंने आदिवासी दलित मुन्नेत्र समिति कोट्टयम जिला की सेक्रेटरी का स्वागत है, ऐसा कहकर मेरा अभिनंदन किया। दलित समुदाय को सरकारी सहायता मिलती है, यह बस एक भ्रम है, क्योंकि साल भर में कुछ कौड़ियों के सिवा कुछ नहीं मिलता। इतने कम पैसों में अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना संभव नहीं है। अगर हम दोनों काम पर होते तो आसानी से बच्चों को उच्च डिग्री तक पढ़ा सकते थे। पैतृक गांव में रहते समय हम रोज काम पर जाते थे, घरों में खेतों में सफाई कटाई के लिए जाते थे, मिस्त्री लोगों के साथ रेजा कूली काम करते थे। वहां वैसा था, यहाँ की बात और है। यहाँ पर हम किसी को नहीं जानते, आंदोलन से जुड़े लोगों को छोड़कर बाहरी लोगों से कोई रिश्ता ही नहीं है। कभी कभी हाँ,
बाहरी मिस्त्री लोग के साथ जाना पड़ता है। मतलब जब उनको मजदूर नहीं मिलते तो हमें बुलाया जाता है। उनके साथ काम करने वाले मिस्त्री ना मिलने पर वे तुरंत आंदोलन की भूमि पर आकर हमसे पूछते हैं, काम पर आओगे? हाँ आएंगे, हमें भी काम की जरूरत होती है। हम चले जाते हैं, उससे जो मिलता है गुजारा चल जाता है। मैं काम पर जाती हूँ तो 500 रुपया दिहाड़ी मिल जाती है, हमारा हफ्ते भर का खर्चा उससे निकल जाता है। पर गांव में यह काफी न होता। मैं जिस हालात में पली बढ़ी या जितनी तकलीफें मैंने झेली हैं, मेरे बच्चों ने नहीं झेली। मैंने अच्छा कपड़ा तब पहनना शुरू किया जब साबू से मेरी शादी हुई। मैं यह सब नहीं भूल सकती। अच्छा स्कर्ट ब्लाउज नहीं होने के कारण मुझे स्कूल जाने में संकोच होता था, पर मेरे बच्चे ऐसे नहीं हैं। सोचा जाए तो हमारे बच्चे आराम की जिंदगी जी रहे हैं। हम भले ही संघर्ष की भूमि में रह रहे हों, हमारे बच्चे आराम से हैं। मेरा एक बड़ा सपना है, वह यह कि मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊं, बहुत अच्छे से पढ़ाऊं। पढ़ने वाली लड़की है, उसे अच्छे से पढ़ना है जिसे कि उसे एक अच्छी नौकरी मिल सके। हमारे हक की लड़ाई जैसे ही खत्म होती है हम उसे पढ़ाएंगे, हमारे सपने को साकार करेंगे, उसे पढ़ाएंगे, जरूर पढ़ाएंगे। मेरे पूर्वजों के समय में जब खेती के लिए बीज तैयार करते थे तो बीजों को तैयार करके बोरियों में बांधते समय यदि एक भी दाना जमीन में गिरा पड़ा मिलता तो दोपहर को खाने के साथ साथ अच्छी पिटाई भी खाने को मिलती थी। अगर कबूतर होते तो सारे बीज आसानी से चुग जाते। कबूतर या मुर्गी सब समान है।
हम काम में जोश लाने के लिए कुछ काली मिर्च के दाने खा लेते हैं हम दोनों। हम काली मिर्च खा के बड़े जोश से काम करते हैं। ये आदत जैकी चान की एक फिल्म से सीखी है। एक फिल्म में वह बोरी से मिर्ची निकालकर फटाफट खा लेता है, उसे जोश मिलता है और उसके बाद जोर से गुंडों की धुलाई करता है। वह सीन देखकर काली मिर्च खाना शुरू किया मैंने। लो यहाँ सब्जी रखी है ना? मैं बस हो गया। हाँ हाँ बहुत ज्यादा हो गया। सिर्फ पानी पी पी कर लगातार काम करना पड़ रहा है, जीने के लिए मरना पड़ रहा है हमें। माटी के खातिर मरने के लिए बिल्कुल डरते नहीं। हाँ हम उसके लिए तो बिल्कुल तैयार हैं। इस मामले में हम डरते नहीं हैं। माटी के खातिर मरने के लिए बिल्कुल डरते नहीं हैं। हमें अगर जमीन मिलती है तो ये खाद्य सुरक्षा सुनते रहते हैं, खेती करते हुए इस भूमि की सुरक्षा करेंगे और साथ ही साथ अपना गुजारा भी कर लेंगे। यहाँ अलग अलग लोग रहते हैं, एक साथ रहते हैं, भाई बहन की तरह रहते हैं। अलग अलग राजनीति, अलग अलग जाति धर्म, पर हम सब अनेकता में एकता के आधार पर एक मन से जमीन के हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कई दड़ाम कई दड़ाम कल्ले ली वासने राजम्मा लीला भवन। हाँ जी। इरिकी चरेवड़ा। हाँ जी। राजेंद्रनाथ। हाँ जी। माधवी चेटदड़ा। हाँ जी। सरोजनी अम्मा चरेवड़ा। हाँ जी। इंदु बालन पुत्तंवीड़। हाँ। राधा भास्करन। हाँ जी। रहमा बीवी। हाँ जी। माया सत्यन। हाँ जी। अम्मिनी शशि। हाँ। सीलम्मा साबू। हाँ जी। खेती में एक चौथाई खेती धान की खेती होती है। उसे भाग भाग करके बांटा जाता है। उन भागों में से एक भाग का धान है ये। हम धान कूट कर चावल निकाल रख लेते हैं। सामूहिक काम के समय उस चावल से कंजी बनाते हैं। उस तरफ धूप है, इस तरफ नहीं, नहीं तो फूस दो दिन में सूख जाती। सब मिलाकर चूल्हे में रख दो। वो वहां मत रखो, उठाओ जरा पकड़ो। वहां क्या रखा?
जरा ऊपर रखो। हाँ बिल्कुल सही, थोड़ा आगे रखो। हाँ हाँ बिल्कुल वही रखो। क्या हाथी पका है क्या? क्या है री सब्जी? हाथी मांस है क्या? ऐसे मत गिराओ। तुम वो कप्पा छोड़कर बिना तीखा वाला कप्पा खाओ। अरे बेटा खाना हो गया? तुम इतनी मिर्च क्यों डालते हो? जल्दी खाओ। जब मेरे पिता की मृत्यु हुई, हमें उन्हें अपने घर के अंदर ही दफनाना पड़ा। इसी घटना ने मुझे इस जगह आने पर सबसे ज्यादा प्रेरित किया। उस समय अगर हमारी अपनी जमीन होती तो अपने पिता के शव के साथ भटकना न पड़ता। पति कहते थे, तुम अगर लड़ाई में जाओगी तो पुलिस की मार पड़ेगी, ऐसा होगा वैसा होगा कहकर रोकते थे, पर तुरंत उसी मुंह से फिर समर्थन भी करते थे। मैं कलकेटी नामक जगह की रहने वाली हूँ। मैं वहाँ करीब 32 साल रही। मुझे इस भूमि आंदोलन में आने से काफी फायदा हुआ है। इस आंदोलन के कारण अभाव में भी एक दूसरे की मदद के साथ निपट जाता है। इधर उधर कोई झगड़ा नहीं है, सामूहिक काम चल रहा है, सब एक जैसे हैं, आजीविका ठीक ठाक है, भूखमरी नहीं है। भूख की हालत में हमने जो चावल बचा के रखा है उसे रसोई के लिए दे देते हैं। भूखमरी यहाँ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आंदोलन आंदोलन को सफल बनाना है तो हमें ही मेहनत करनी होगी। हमें जरूर जीतना है। अब हम जमीन को तैयार करना शुरू करेंगे छठी फसल के लिए। जब हम अपनी समस्याओं को सुलझाने का सपना लिए लड़ते हैं, तब नेता इंतजार करते हैं कि हम कब अपनी लड़ाई छोड़ें और वे कब अपनी चालें चलना शुरू करें। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि आप सब हमारा साथ दें। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी लड़ाई सफल हो।
कई लोग इस संघर्ष के मैदान की तरफ आ रहे हैं। यह तो कुछ नहीं है, अभी और लोग आएंगे। कल काउंटर पर बैठे लोगों को थोड़ा भी आराम नहीं मिला। सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक लगातार लोग आ रहे थे। प्रशासन तो चाहता ही है कि धरती से अरिप्पा का वजूद ही मिट जाए। मैं एरुमेली जाना चाहती हूँ। एरुमेली? एक दो दिन रुक कर आना और वहाँ उमन चंडी से बात भी कर लेना। आप जैसे लोग ईमानदारी से बात कर सकते हैं। आप लोग उनके पड़ोसी जो हैं। हमने बात की है पर उन्होंने हमारी बात पर कभी अमल ही नहीं किया। एक कान से दूसरे कान से निकाल। अरे कोशिश तो करो। ये कहने का कोई फायदा नहीं है कि ओमन चंडी हमारे पैतृक गांव से हैं। हमें खेती की जमीन चाहिए। जमीन मतलब सिर्फ खेती करने के लिए नहीं है। केरल में जमीन के 4 आंदोलनों की अगुवाई करने के बाद मैं ये तो कह सकता हूँ कि ये संघर्ष हमारे अंदर बहुत से बदलाव ला रहा है। क्योंकि यह कहा जाता है कि आदिवासी को जमीन मिलने से या गरीबों को जमीन मिलने से वह उसे बेच देंगे या नष्ट कर देंगे, काम नहीं करेंगे। मैं इस आलोचनाओं को खुले दिमाग से सुनता हूँ। मेरे अनुभव से कई बार मुझे भी ऐसा लगा है। इसलिए किसान होना मतलब दलित, आदिवासी या अन्य किसी भी जाति या पंथ के आधार पर नहीं है। जमीन उन्हीं लोगों को दी जानी चाहिए जिनमें खेती करने की इच्छा, ज्ञान और समझ हो। इसी तहत हमने अरिप्पा में आने के बाद 3000 रबड़ पेड़ उगाए। हम चाहे तो उन्हें काटकर इनसे रबड़ का दूध निकाल सकते हैं और हमारे पास कुशल कारीगर भी हैं, मेहनतकश लोग भी हैं, लेकिन हम रबड़ काटकर दूध निकालने के बजाय 10 एकड़ की खाली पड़ी जमीन पर धान की खेती करना पसंद करते हैं। हमारे राज्य में धान की खेती में गिरावट आई है। पहले 6.5 लाख एकड़ की जमीन पर धान उगाया जाता था, अब वह संख्या घटकर 2.5 लाख एकड़ रह गई है। यह केरल के भूमि सुधार का एक भयानक परिणाम है।
केरल सरकार ने धान की जमीन को अन्य उपयोगों में लाने के लिए अनेक नियम लगाए। इस परिप्रेक्ष्य में कुलतपुजा गांव के जंगल की 10 एकड़ जमीन पर धान की खेती करना अपने आप में गर्व की बात है। इसलिए जो जमीन को जोते बोए वही जमीन का मालिक होए। खेती की जमीन जीने के लिए है, ऐसा नहीं कि उसे बेचकर यहाँ पर इमारतें मॉल खड़ा करना या इन प्रकार के काम के लिए नहीं है। मुख्यमंत्री के साथ हमारी पिछली मुलाकात में हमने यह प्रस्ताव दिया था कि हमें व्यक्तिगत पट्टा ना देकर सामूहिक पट्टा से अधिकार दिया जाए। यह केरल के लिए और भारतवर्ष के लिए भी एक आदर्श मॉडल हो सकता है। यहाँ करीब 40 विभिन्न जातियों और पंथों के लोग रहते हैं, उनमें से 10-15 अनुसूचित जनजाति से हैं। आदिवासी लोग भी हैं, नायर ईडवा हैं, ईसाई हैं, मुस्लिम हैं, अन्य समुदाय भी हैं। ये 40 समुदाय एक सोच लिए एक नेतृत्व के तहत एक साथ खड़े हैं, जो केरल में भूमि आंदोलनों में एक मिसाल है। जमीन मिलने पर खेती नहीं करना या सोचते हैं कि कुछ करने की जरूरत नहीं, उनसे या उसके महत्व को ना समझकर उसका उचित उपयोग ना करने वालों से वो जमीन ले लेनी चाहिए और उन लोगों को दे देनी चाहिए जो खेती करने को तैयार हैं। इसी को हम सामूहिक जमीन अधिकार कहेंगे। घर निवास के लिए अलग जमीन दी जाएगी। इसलिए यह संघर्ष खेती करने की अधिकार का है, जीने के अधिकार का है। अरिप्पा की आवाज है, जनता की आवाज है। अरिप्पा की आवाज है, जनता की आवाज है। जमीन दो, जमीन दो, हमें जमीन दो सरकार। जमीन दो, जमीन दो, हमें जमीन दो सरकार। सर छुपाने जगह नहीं, जीने की राह नहीं। सर छुपाने जगह नहीं, जीने की राह नहीं। जमीन में ही जीने को थोड़ी जमीन दो सरकार। जमीन में ही जीने को थोड़ी जमीन दो सरकार। अरिप्पा की आवाज है, जनता की आवाज है। अरिप्पा की आवाज है, जनता की आवाज है। जमीन दो, जमीन दो, हमें जमीन दो सरकार। जमीन दो, जमीन दो, हमें जमीन दो सरकार। हमारे शैली ये है कि हम ये मंदिर नहीं कहते, हम पगोड़ा कहते हैं। हम अंबेडकर, बुद्ध और महात्मा अयंकाली को मानते हैं। यहाँ अलग अलग पंथ के लोग हैं, मुस्लिम, ईसाई, भगवान कृष्ण को मानने वाले, अय्यप्पा को मानने वाले, दलित समाज में पोइगल अप्पच्चन को मानने वाले, शुभनंदन गुरुदेवन को मानने वाले इत्यादि। जब लोग बिखरी हुई विचारधाराओं के साथ आते हैं तो हमने देखा है कि अंबेडकर, अयंकाली और श्री बुद्ध की छतरी के साथ जुड़ जाते हैं। इस प्रकार इनके फोटो रखकर हम एक शैली में गीत गाते हैं। हमने विभिन्न राजनीतिक दलों के झंडे उठाए हैं और विभिन्न समूहों के पोस्टर चिपकाए हैं।
इन राजनीति पार्टियों ने, ये मुख्यधारा की पार्टियों ने कभी भी हमारे जीवन के उत्थान के लिए, हमारे बच्चों के उत्थान के लिए हमारे कभी मदद नहीं की। बेहतर भविष्य के लिए ये संघर्ष है, ये और इस संघर्ष के लिए ये त्याग भी है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने जो त्याग किया था, जो अच्छे काम किए थे, उसकी बदौलत आज हम अच्छे से जी लेते हैं। इसलिए हम भी अपने आने वाली पीढ़ी के बेहतर भविष्य के लिए सारी मुश्किलें झेलने और त्याग करने के लिए तैयार हैं। हम रास्ते में आने वाली सारी अड़चनें झेलने के लिए तैयार हैं। हम जिंदगी की मुश्किलें पार कर जाएंगे और लड़ाई जीत लेंगे। कावनकट मंदिर ले गीत आवे ना, भोर भैयारा चाय पिला देना, भोर भैयारा चाय पिला देना। नांगर करे है तहा बीजा बोयब है, बोआई हो ही तबे त गाजा फुट ही ना। कवन कट मंदिर ले गीत आवे ना, भोर भैयारा चाय पिला देना, भोर भैयारा चाय पिला देना। कवन कट मंदिर ले गीत आवे ना, भोर भैयारा चाय पिला देना। नांगर करे है तहा बीजा बोएब है, बोआई होई तबे त गाजा फुट ही ना, बोआई होई तबे त गाजा फुट ही ना। चारा अब नाचन लागे निंदाई करब ना, निंदाई होई तबे त धान बाढ़ ही ना। कावनकट मंदिर ले गीत आवे ना, भोर भैयारा चाय पिला देना। धान जब पाक जाही कटाई करब ना, बोआई मिंजाई करे ले सोना मिल ही ना, बोआई मिंजाई करे ले सोना मिल ही ना। कावनकट मंदिर ले गीत आवे ना, भोर भैयारा चाय पिला देना, भोर भैयारा चाय पिला देना। अरिप्पा की आवाज है जनता की आवाज है, अरिप्पा की आवाज है जनता की आवाज है। जमीन दो, जमीन दो हमें, जमीन दो सरकार, जमीन दो, जमीन दो हमें, जमीन दो सरकार। सर छुपाने जगह नहीं, जीने की राह नहीं, सर छुपाने जगह नहीं, जीने की राह नहीं। जमीन में ही जीने को थोड़ी जमीन दो सरकार, जमीन में ही जीने को थोड़ी जमीन दो सरकार। अरिप्पा की आवाज है जनता की आवाज है, अरिप्पा की आवाज है जनता की आवाज है। जमीन दो, जमीन दो हमें, जमीन दो सरकार, जमीन दो, जमीन दो हमें, जमीन दो सरकार।